नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के इस अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हमीरपुर नादौन NH पर स्थित रॉयल होटल में दबिश देकर दो लोगों को 32 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा। दोनों आरोपियों के खिलाफ 21 NDPS अधिनियम के तहत मामला किया गया दर्ज। देश में आर्थिक मंदी और बंद होते कारखानों के चलते लाखों युवाओं का रोजगार समाप्त होना देश को एक गंभीर सामाजिक संकट की तरफ लेकर जाएगा, कहा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने। हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य होने से आवाजाही बाधित। मंगलवार तक शहर के बीचों बीच जाने वाली सड़क को रखा जाएगा बंद। सड़क मार्ग बंद होने से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाए जाने की चारों तरफ निंदा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का किया कड़ा विरोध।